नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को बताने वाला हूँ इस महीने भी आपको ओ सिस्टम से ही आपको पोषाहार वितरण करना है जैसे कि इसके लिए जो आप लोग का ऑफिशियल आंगनबाड़ी ऐप है उस आंगनबाड़ी ऐप पर जो लाभार्थी का ओ वेरीफाई करना होता है वो नवंबर महीने का ओ अपलोड कर दिया गया है तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि नवंबर महीने का ओ वेरीफाई कैसे करना है और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पुषहार वितरण करने का जो डेट दिया जाता है आई विभाग की तरफ से उसके लिए देखिए अभी आई विभाग की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है कि कब तक आपको ओ टी पी वेरीफाई करना है इसके लिए जल्द ही आपको एक पत्र मिलेगा जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि लास्ट डेट कब तक रखा गया है और कब तक आपको ओ टी पी वेरीफाई कर लेना है तो और जैसे कि अगर आप लोग ओ टी पी अभी तक वेरीफाई नहीं किए हैं तो आप लोग अपना ओ टी पी वेरीफाई कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आई विभाग का जो ऑफिशियल ऐप है वो तो हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एकीकृत बाल विकास सेवा आई सी लाभार्थी वेरिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आप लोग करना होता है सिंक्रनाइज करें ये जो सिंक्रनाइज़ करे वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं इस पर आपको एक बार टच कर देना है जैसे ही आप लोग टच करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मंथ लिस्ट है वो लोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है नया बेनिफिशियरी सूची लोड करें तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो वित्तीय महीना है यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर महीने का जो टोकन वेरीफाई करना है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है तो नवंबर महीने वाले पर क्लिक करके यहाँ पर जो गेट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद देखिए सफलतापूर्वक आपका जो डाटा है वो सिंक किया गया है फिर इसको कैंसिल कर देना है कैंसिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओ सत्यापित करे वाले पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ये यह जो वित्तीय महीना दिखा रहा है यहाँ पे नवंबर का आ चुका है नवंबर जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी नवंबर महीने में जितने भी लाभार्थियों को हमको पोषाहार वितरण करना है उसका यहाँ पे डाटा अपलोड हो चुका है तो इस प्रकार से आप लोग नवंबर महीने का जो डाटा है वो ओपन करके और जो टोकन वेरीफाई है वो कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको आंगन ऐप पर ले चलता हूँ जहाँ पर लाभार्थी का टोकन हम लोग निकालते हैं वहाँ से देखेंगे कि वहाँ पर टोकन आया है कि नहीं तो टोकन निकालने के लिए आपको क्या करना है गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे आंगन जैसे ही आंगन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से तो आपका ऑप्शन दिखाई देगा सिंपली आपको आंगन वाले पे क्लिक कर देना है फिर जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो पेज है वो रिफ़्रेश होके इस प्रकार से दिखाई देगा उसके बाद यहाँ से हम लोग जो टोकन प्राप्त करे वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे कि टोकन प्राप्त करें तो यहाँ से हम लोग जो टोकन है वो निकालते हैं तो इसी पे हम लोग को क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप सभी को मालूम होगा कि आधार से ही हम लोग का टोकन निकलता है तो यहाँ पे जिस भी लाभार्थी का हमको टोकन निकालना है उसका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया रहेगा जैसा लिखा रहेगा वैसा आपको फिल कर देना है तो देखिए यहाँ पर हमने आधार नंबर और जो कैप्चा कोड है उसको डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पे जो टोकन प्राप्त करे का जो ऑप्शन देख रहे हैं आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो लाभार्थी का जो डाटा है वो रिफ्रेश होकर यहाँ पे आ जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे जो मंथ इलेवन दिखा रहा है यानी नवंबर महीने का जो टोकन है यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि आज तेईस नवंबर दो का जो डेट है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो लाभार्थी का टोकन है वो भी अपलोड कर दिया गया है अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है सभी लाभार्थियों का बारी बारी से टोकन निकाल लेना है निकाल के आपको कहीं पे लिख लेना है और लिखने के बाद आपका जो आंगनबाड़ी का ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे जाकर सभी लाभार्थियों का टोकन वेरीफाई कर लेना है पोषाहार कब तक वितरण करना है इसके लिए एक नया डेट जारी होगा आई सी विभाग की तरफ से पता चल जाएगा जो पत्र होगा उसमें बता दिया जाएगा कि कब तक आपको पोषाहार वितरण कर लेना है तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है तो आप लोग अन्य आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद